क्या रिसेंटली आपने भी नंबर 1111 देखा है? ये नंबर 1111 इतना पावरफुल क्यों होता है? 1111 हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या महत्व रखता है? 1111 हमारी मैनिफेस्टेशन से कैसे संबंधित है? और जब हम 1111 देखते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होता है? नमस्ते, मैं हूँ मुदिता और आज हम बात करने वाले हैं एंजेलिक नंबर 1111 की। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ इस नंबर का जो सीक्रेट है वो डिकोड करने वाली हूँ। आपने बहुत बार 1111 को देखा होगा, इसके मीनिंग को पढ़ा होगा, एक्सप्लोर किया होगा, और अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप 1111 के बहुत सारे मीनिंग जानते भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको इसका मतलब बताने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि नंबर 1111 हमारी पूरी जर्नी में किस तरीके से हमारी सहायता करता है और नंबर 1111 थ्रू आउट द जर्नी क्या रोल प्ले करता है। कैसे समझेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन ए है, इसका नाम श्याम है। एक पर्सन बी है, इसका नाम प्रीति है। श्याम ए जो इसकी जर्नी अभी शुरू हुई है और इसको पता भी नहीं है, इसको 1111 दिखाई दे रहा है। और जो प्रीति है, इसकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, इसको भी 1111 दिखाई दे रहा है। क्या दोनों के लिए सेम मीनिंग है? बिल्कुल नहीं। तो यही आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जो एंजेलिक नंबर 1111 है, ये हमारी पूरी जर्नी में, मतलब पूरी यात्रा में आपके साथ रहेगा और इसका हर स्टेप पे अलग मीनिंग होता है। जैसे कुछ एंजेलिक नंबर हैं वो आपको तभी दिखाई देते हैं जब आप अवेकन हो जाते हैं, पर नंबर 1111 एक ऐसा प्यारा एंजेलिक नंबर है जो हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ रहता है और हर स्टेप पे इसका मतलब अलग होता है। ये बात ना तो कोई आपको बताया है आज तक, ना कोई बताने वाला है। हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ लोग बता भी दें। तो एंजेलिक नंबर 1111 थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ कैसे रहता है, उसका क्या क्या मीनिंग होता है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपने इसका मीनिंग तो देखा होगा हमारे चैनल पे भी और भी चैनलों पे देखा होगा कि 1111 का मतलब क्या होता है, और जब भी आप 1111 देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते होंगे। लेकिन ये थ्रू आउट द जर्नी इसका क्या मतलब होता है, और अगर आप इसका मतलब सही टाइम पे सही मतलब समझ के एक्शन लेते हैं तो आप अपने भाग्य के लेखक खुद बन जाते हैं। मतलब अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करने वाले आप खुद हो सकते हैं अगर आप सही टाइम पे सही एक्शन लेते हैं। क्योंकि इस नंबर का आपकी लाइफ में आना ही बताता है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप बदले, आप अपना भाग्य बदले, आप दूसरों का भाग्य बदले विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। सो एंजेलिक नंबर पहले होते क्या है? ये वो नंबर होते हैं जिनकी एक पावरफुल वाइब्रेशन होती है जिसके थ्रू एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड हमसे कम्युनिकेट करता है, हमसे बात करता है और हमारे तक अपने स्ट्रॉन्ग मैसेज को पहुंचाता है। ये नंबर कहाँ दिखाई दे सकते हैं आपको? जब आप घड़ी देख रहे हैं वहाँ टाइम पे आपको 1111 दिखाई दे सकता है। आप कोई बुक पढ़ रहे हो उसका पेज नंबर 111 हो सकता है। आप चेकबुक साइन कर रहे हैं या कोई गाड़ी की नंबर प्लेट पर आपको दिखाई दे सकता है, मतलब एनीवेयर कहीं पर भी कमेंट में आपको दिखाई दे सकता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे सकता है, 1111 कहीं पे भी दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि इस जो नंबर है इसका हमारी जर्नी में अलग अलग मैसेज क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जब ये नंबर आपको दिखाई देना शुरू होता है आपकी लाइफ में, फर्स्ट टाइम जब आप 1111 देखते हैं, तो वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। पहली बार आपको एंजेलिक नंबर 1111 तब दिखाई देता है जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं या कराए जाते हैं। कराए कैसे जाते हैं? हो सकता है आप चाहते नहीं है स्पिरिचुअल पाथ पे जाना, पर आपको मोड़ा जाता है, आपको डाइवर्ट करता है यूनिवर्स। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चल रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खींच के लाया जाता है, आपका पाथ मोड़ दिया जाता है। और उस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, मेरे लिए कुछ स्पिरिचुअल तो है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मुझे करना शुरू करनी चाहिए, और आप वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आपको 1111 दिखाई देता है, ये आपका इंडिकेशन होता है कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। और इस टाइम पर जो आप 1111 देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, आप इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, आप अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके बारे में स्टडी करते हैं। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जिसके बारे में अभी तक उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये इंडिकेशन है पहला कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है।
अब क्या होता है, आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, आपकी कुछ विश मैनिफेस्ट भी होती हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहने लगते हैं, आप देखते हैं आपका सोचने का तरीका बदल गया, आप बहुत खुश होते हैं। अब आपको जब भी 11-11 दिखता है आप बहुत खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यूनिवर्स, जब आपको पता चल गया कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, तब यूनिवर्स बोलते हैं आपको और गहराई में जाना है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए यूनिवर्स का एक्शन होता है। एक बार पहले आपने 11-11 देखा तब आपकी जर्नी को शुरू किया गया, अब दूसरी बार आप 11-11 कब देखते हैं, जब आपकी लाइफ में यूनिवर्स की एंट्री होती है। और यूनिवर्स क्या करते हैं, आपकी लाइफ में एक तूफान लाते हैं, एक टावर मोमेंट आता है, जिसकी वजह से आपके आसपास जिन चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा है, होल्ड करके रखा है, वो आपके नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, गलत चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसा तूफान आता है कि वो सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं और वो सारी चीज़ों से आपको अलग करके अकेले रखा जाता है। अब इस टाइम पे आपको फिर से 11-11 दिखाई देता है और लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, व्हाई स्टिल आई सेइंग 11-11, मुझे 11-11 क्यों दिखाई दे रहा है जब मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे 11-11 क्यों दिखाई दे रहा है जब मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मेरी जॉब चली गई है, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि आप गहराई में जा रहे हैं, आपको गहराई में ले जाया जा रहा है, और यूनिवर्स इस टाइम पे आपकी लाइफ में ये चीज़ें, ये एक्शन इसलिए लेते हैं ताकि आपने जो नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करके रखा है, वो सारी चीज़ें बाहर की जाती हैं और आपको प्योरीफाई किया जाता है, आपकी जो सोल है वो क्लिंज होती है, आप प्योरीफाई होते हैं, आपकी अवेकनिंग होती है इस टाइम पे। और इस टाइम पे आपको 11-11 दिखाई देता है, आपको बहुत निराश भी हो सकते हैं कि मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वही मोमेंट होता है जब आप अवेकंड होते हैं, आपकी क्लिंजिंग हो जाती है और आप एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं, फिर आपको 11-11 दिखना बंद हो जाता है। अब आप कॉन्शियस होके इस पाथ में आगे बढ़ते हैं, ओके, इस जर्नी में आगे बढ़ने लग जाते हैं, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप आगे बढ़ने लग जाते हैं स्टिल आपको 11-11 दिखाई देता है, और ये इंडिकेशन होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है खुद के साथ, दूसरों के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो अपग्रेड हो गया है। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ थे तो आपका रिलेशनशिप अब बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी 5D में आ चुका है। आप दोनों सोल लेवल पे जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम स्पिरिचुअली अलाइन हैं, ये आपकी जो नोइंग है ये हो जाती है, आपको अंतर्ज्ञान हो जाता है कि ये जो अब मैं 11-11 देख रहा हूँ ये मेरी ही इनर कॉलिंग है। इस स्टेप पे आपको 11-11 दिखाई देता है, आपका खुद से संबंध यानी सेल्फ लव आप करना सीख जाते हैं, आपका अपने सोलमेट के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है, और अब आप स्पिरिचुअल पाथ में काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं, और अब आपको 11-11 दिखाई देता है तो आप बहुत खुश भी नहीं होते, निराश भी नहीं होते, आप जानते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज है मेरे लिए। ओके, इसके बाद क्या होता है, अब आपका ऑरा एक पावरफुल और स्ट्रांग ऑरा बन गया है, अब आपकी तरफ पॉजिटिव सोल्स, आपकी सोल फैमिली के लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं, तब क्या होता है कि ऐसे लोग जो आपके लाइफ से चले गए थे, या ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं या जिनका ऑरा या वाइब्रेशन बहुत लो होती है, देखिए जो लो वाइब्रेशन है वो हमेशा हाई वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों, उनको सुकून मिलता है, उनको राहत मिलता है, उनकी एनर्जी उनको खुद ही परेशान करती है, और जो प्योर ऑरा वाले लोग होते हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह के टॉक्सिक या नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरह के लोग भी आपकी तरफ आते हैं, जो लोग आपकी लाइफ से चले गए थे वो लव लौट के आपकी लाइफ में वापस आते हैं, क्यों, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पावरफुल बन चुका है। तो इस टाइम पे डिवाइन आपको ये मैसेज देने के लिए 11-11 दिखाते हैं कि आपको कोई भी पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, आपको इस जर्नी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है, मतलब किसी को भी अलाउ नहीं करना है आपके प्रोटेक्शन शील्ड में एंटर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप डाउट कर रहे होते हैं कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होगा या नहीं होगा, उस टाइम पे भी आपको 11-11 दिखा के यूनिवर्स बताते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो होगा और आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं।
इसके बाद 11-11 आपको तब दिखाई देता है जब आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली होती है, मतलब वो 5D में बन चुकी होती है, आपको मिलने वाली होती है विद इन वीक, विद इन मंथ। तो आपको लगातार कॉन्स्टेंटली 11-11 दिखाया जाता है, जो कन्फर्मेशन होता है कि जिसके लिए आपने जर्नी तय की है वो चीज़ पूरी होने वाली है, आइदर स्पिरिचुअल जर्नी या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी। तो ये इंडिकेशन होता है कि अब आपकी विश आपको मिलने वाली है। जैसे 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में जब आपको विश मिलने वाली होती है तो उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिखाई देगा, उसके बाद आप देखेंगे आपकी विश पूरी हो गई है। और जब आपकी विश पूरी हुई है उस वक्त भी आपको 11-11 दिखाया जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि तब आपको 11-11 दिखाई देता है जो लोग अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हैं या जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा या हर्ट चक्रा, इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ये चक्रा ओपन हो जाते हैं और आप स्पिरिचुअली इनलाइटेड हो जाते हैं, उस वक्त भी आपको 11-11 दिखाया जाता है। तो ये जो 11-11 है ये अपने आप में एक एंजल है और हमारी पूरी जर्नी में ये हमारे साथ रहता है, हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। ये बात आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, चाहे आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये नंबर थ्रू आउट द जर्नी बना रहता है और हर स्टेप पे इसका मैसेज मीनिंग अलग होता है। आप अपनी जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, कब कब आपको 11-11 दिखाई दिया, जब भी आपको दिखाई दे आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और देखना चाहिए आप क्या सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड इसका आंसर होता है। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।